नमस्कार, न्यूज इंडिया में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। इस वक्त की अहम और बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। तो आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से कड़ाके की सर्दी लौट आई है। रविवार को अधिकतम तापमान सामान्य से 6 डिग्री लुढ़क कर 15 डिग्री पर पहुंच गया, तो वहीं पर जनवरी का अब तक का सबसे कम और अधिकतम तापमान रहा है। इससे पहले 4 जनवरी को अधिकतम तापमान 15.8 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि बीते 9 साल में भी 24 जनवरी को इतना कम अधिकतम तापमान दर्ज नहीं किया गया। वहीं पर न्यूनतम तापमान 8.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दिल्ली एनसीआर रविवार को दिन भर कोहरे की चादर में लिपटा रहा। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में 25 जनवरी को घने कोहरे और शीतलहर को लेकर ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। आसमान में बादल छाए रहने के कारण न्यूनतम तापमान बढ़ा है, तो वहीं पर हवाएं उत्तर से आने वाली हवाओं से ठंड इतनी नहीं रही। सोमवार से हिमालय से शुष्क बर्फीली हवाएं मैदानी इलाकों में पहुंचेगी, जिसकी वजह से तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। तो आपको बता दें, सर्दी का सितम लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और साथ ही इसी को लेकर दिल्ली एनसीआर के तमाम ऐसी जगह हैं जहां पर सरकार की ओर से ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। एहतियात बरतने के लिए सरकार की ओर से तमाम गाइडलाइंस यहां पर जारी की गई है। लोगों से अपील की गई है कि कोई ज़रूरी काम हो तभी वो घर से बाहर निकले, वरना वो घर में ही रहे। और साथ ही जिस तरीके से सर्दी जो लगातार बढ़ रही है, इसको लेकर गाइडलाइंस के अंदर चेंजेस भी किए गए हैं। स्कूल जिस तरीके से खुले हैं उनको लेकर भी यहाँ पर एक बैठक की गई है, जिसमें तय किया जाएगा कि अगर इसी तरीके से सर्दी पड़ती रही तो आने वाले दिनों में क्या कुछ रणनीति देखने को मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको बता देते हैं, इसी खबर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए, जानकारी देने के लिए, हालचाल बताने के लिए कि उनके प्रदेश में सर्दी को लेकर क्या कुछ हालात बने हुए हैं, मेरे सहयोगी मगन हमारे साथ माउंट आबू से जुड़ गए हैं। जी मगन, जानना चाहेंगे, माउंट आबू में अमूमन सर्दी रहती है, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से पूरे राजस्थान में या दिल्ली एनसीआर में सर्दी का कहर जो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, इन सब परिस्थितियों को देखते हुए माउंट आबू की बात करें तो वहां पर क्या कुछ परिस्थितियां? जी आपने बिल्कुल बताया, चाहूंगा कि जिस तरह आपने बताया कि दिल्ली एनसीआर सहित अन्य जो हिमाचल प्रदेश में अचानक फिर मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है, इसी के चलते यहाँ प्रदेश का जो ऊंचा जो शहर है, जो ऊंची पहाड़ियों पर रहे है, इसी के चलते एक बार यहाँ पर फिर लोगों को सर्दी का जो असर है, कड़ाके की सर्दी का असर देखने को एक बार फिर माउंट आबू में देखने को मिला। इसी के चलते आईसी में आपको बताना चाहूंगा, आज का जो तापमान का जो पारा है यहाँ -1 और 2 डिग्री के बीच है। इसी के चलते लोग आज घरों में ही अल सुबह धूपते हुए नजर आए। अभी भी हल्की धूप खिली हुई है, लेकिन जो बाजारों का हाल है यहाँ पर काफी सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग अभी भी लोग अलाव का सहारा ले गए हैं। कुछ लोग है जरूर चहल पहल नजर आ रही है, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं, अन्य लोग, जो स्थानीय लोग हैं, अभी भी घरों में इस सर्दी से लेकर दुबके हुए नजर आ रहे। जी आईसी जी, मगर आपने बताया कि अगर यहाँ के स्थानीय लोगों की बात करें तो वाकई ही वो लोग अपने घर में दुबके हुए हैं, कोई जरूरी काम है तभी घर से बाहर निकल रहे हैं, लेकिन अगर बात करें पर्यटकों की तो उनको लेकर वहां पर क्या कुछ अहलकदमी देखने को मिल रही है? देखिए पर्यटक, इस जो सर्दी का अचानक यहाँ बदलाव आया है, यहाँ सर्दी की बात की जाए तो इस सर्दी के चलते लोग, अगर पर्यटकों की संख्या की बात की जाए तो इस सर्दी के चलते पर्यटकों की संख्या में यहाँ जो है कमी भी नजर देखने को मिल रही है, लेकिन जो पर्यटक जो माउंट आबू में कुछ हद तक जो रुक कर रहा है वो अभी भी होटलों में दुबके हुए हैं और इस सर्दी को लेकर अलाव का सहारा ले रहे हैं, लेकिन कुछ पर्यटक यहाँ नक्की झील के आसपास में सैर करते और चाय की चुस्कियों से साथ ही सर्दी को लेकर माउंट आबू में आनंद लेते हुए भी नजर आ रहे हैं। लेकिन हालांकि कुछ लोग हैं, इस सर्दी को लेकर जो पर्यटक की बात की जाए तो माउंट आबू को निहारने को लेकर इस सर्दी के बीच माउंट आबू का काफी लुत्फ उठाते हुए पर्यटक इस मौसम को लेकर लुत्फ उठाते हुए भी नजर आ रहे हैं। जी आईसी जी मगन, जिस तरीके से वाकई ही सरकार की ओर से गाइडलाइन जारी की गई है, सरकार की ओर से आम लोग एहतियात बरते इसको लेकर कहा गया है, लेकिन अगर बात करें पर्यटक, आपने कहा कि वाकई कुछ पर्यटक ऐसे हैं जो अभी भी होटल में दुबके हुए हैं, तो बहुत सारे ऐसे भी हैं जो लगातार बाहर ये सर्दी जो पड़ रही है इसका लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। अब सवाल ये कि प्रशासन की बात करें तो प्रशासन की ओर से क्या कुछ इंतजाम यहाँ पर ऐसे किए गए हैं कि पर्यटकों को सर्दी जो बढ़ रही है इससे परेशान ना होना पड़े, क्योंकि वो इतनी उम्मीद के साथ यहाँ पर के लिए आए हैं और सर्दी जिस तरीके से पड़ रही है तो कहीं ना कहीं उन्हें भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, तो उसको लेकर प्रशासन की ओर से या सरकार की ओर से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं?
देखिए बिल्कुल आयुष जी, आपने बताना चाहूंगा कि सर्दी को लेकर हर वर्ष के भांति इस वर्ष भी प्रशासन बिल्कुल सक्रिय नजर आया। साथ ही इसी के चलते अगर बात की जाए तो माउंट आबू के बस स्टेशन के पास में रैम बस अड्डे की प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजार किए गए हैं। वहां पर बिस्तर की व्यवस्था, पानी की जलपान सहित यहाँ सुबह शाम अलाव का भी सारा है। साथ में गर्म पानी लोगों को, आने जाने वालों को यहाँ सेवन के लिए दिया जा रहा है। साथ ही जो अगर गरीब तबके के लोग हैं, जो जिनको यहाँ पैसों की मांग के चलते जो होटलों में नहीं रह पाते, उसको लेकर यहाँ प्रशासन का भी मुस्तैदी नजर आ रहा है। और रैन बसेरे में उचित गरीबों को यहाँ रहने की व्यवस्था दी है और सुबह शाम प्रशासन की ओर से यहाँ सुरक्षा के भी माकूल इंतजाम है। और इस सर्दी के चलते पूरा जो प्रशासन है सर्दी को लेकर यहाँ अलर्ट नजर आया जी आयुष जी। इसके अलावा मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है, आने वाले दिनों में और भी सर्दी पड़ सकती है या वाकई फिलहाल जो सर्दी पड़ रही है, जो सर्दी का सितम फिलहाल देखने को मिल रहा है, ये इसी तरीके से रहेगा या आने वाले दिनों में और भी दो चार होना पड़ेगा सर्दी से? जी बिल्कुल ऐसे आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह की सर्दी की बात की जाए तो जो सर्दी के जो दिसंबर और जनवरी में जो सर्दी के जो हालात देखने को मिलते हैं जी, एक बार मौसम में परिवर्तन आया, इसी जो दिसंबर और जनवरी का जो माहौल रहता है सर्दी को लेकर, वही एक बार फिर लोगों को यहाँ सर्दी को लेकर जो अंत लोगों का जनजीवन भी एक सर्दी से जो मौसम में परिवर्तन आया, लोग कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रभावित होते नजर आ रहे हैं सर्दी को लेकर। लेकिन हालांकि अगर मौसम विभाग की बात की जाए तो जो हिमाचल प्रदेश से जो दिल्ली NCR से अन्य इलाकों में जो सर्दी का परिवर्तन देखने को मिल रहा है, ऐसे में आने वाले दिनों में सर्दी के तेवर और तीखे दिखाई देने की मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार नजर आ रहे जी ऐसे। बिल्कुल मगन, जिस तरीके से आपने बताया वाकई ही सर्दी का सितम लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और साथ ही सरकार की ओर से भी पुख्ता इंतजाम वहां पर किए गए हैं। आप हमारे साथ बने रहिएगा, दोबारा आपका रुख करेंगे। इसी बीच हम आपको बता दें दिल्ली से हमारे साथ आशुतोष जुड़ गए हैं। आशुतोष, अगर दिल्ली की बात करें, कल की बात करें तो कहा जा रहा था कि 9 साल की बात करें तो उसमें पहला ऐसा दिन था जो इतनी ज्यादा सर्दी पड़ी है, उसको लेकर प्रशासन की ओर से ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया और साथ ही लगातार एहतियात सरकार की ओर से बरती जा रही है। लोगों से अपील की जा रही है कि वो घरों में रहे, सर्दी में बाहर ना घूमे। लेकिन अगर बात करें आज की, तो आज वहां पर क्या कुछ हालात बने हुए हैं और आने वाले दिनों में क्या कुछ सर्दी मिल सकती है? जी बिल्कुल, जो सर्दी का क्रम है वो लगातार जारी है और एक क्रम आज सोमवार को भी जारी है। आपको बता दें यहाँ पर धुंध, सर्दी के साथ ही कोहरे के बीमार दिल्ली वासियों पर पड़ रही है। बीते दिनों से लगातार, जब से नए साल बात हुई तब से ही यहाँ सर्दी का सितम जारी है और बीते कुछ दिनों से लगातार यहाँ पर कोहरे की बीमार पड़ रही, यानी यूं कहें तो दिल्ली वासियों दोहरी बीमार पड़ी है। बात करें की तो अनुमान लगाया जाए अगले कुछ दिन तक यही स्थिति बनी रहे, मतलब सर्दी से भी राहत मिलने वाली नहीं। हालांकि 2-4 दिनों के बाद जो है स्थिति सही होगी और फिर धूप निकलेंगी राजधानी दिल्ली में और फिर सर्दी से लोगों को निजात मिलेगी जी। जी आशुतोष, अगर कुछ लोगों से आपकी बात हुई हो, उनका क्या कुछ कहना है सर्दी को लेकर, क्योंकि जिस तरीके से कोहरा आपने बताया कि काफी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है तो वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बहुत सारी एरियाज ऐसे हैं जहां पर वाहन चालक जो है वो लाइट, दिन में भी लाइट जलाकर वाहन चला रहे हैं ताकि इस दौरान कोई अप्रिय घटना ना हो, उसको लेकर अगर बात हुई हो क्या कुछ कहना है लोगों का, किस तरह की परेशानी का उन्हें सामना करना पड़ रहा है? जी बिल्कुल, परेशानी काफी हो रही है लोगों को, दिन में भी लाइट इंडिकेटर लाइट जला करके लोगों को चलनी पड़ रही है। कोहरा है, विजिबिलिटी कम हुई है और चूंकि हालांकि अभी 2 दिन छुट्टी का समय है गणतंत्र दिवस की वजह से, लेकिन उसके बावजूद भी जो इससे जुड़े लोग हैं उनकी तो ड्यूटी है, पुलिस कर्मी है, अन्य कर्मी है, आंदोलन भी दिल्ली में चल रहा है, इन तमाम लेकर के जिनकी इन दौरान ड्यूटियां लगी हुई है वो सब उनके लिए टॉप है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग इसके साथ अपना काम करते हुए नजर आ रहे हैं। और वहीं लोग सर्दी से बचने के लिए जगह जगह अलाव तापते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा प्रशासन के तौर पर जगह जगह जो रैन बसेरे बनाए गए हैं वहां पर भी तमाम इंतजाम किए गए हैं, हालांकि वो दिल्ली में नाकाफी दिखते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी फ्लाईओवर के नीचे या जो भी दिल्ली में, चूंकि राजधानी है तो अन्य राज्यों से लोग बड़ी संख्या में आते हैं मेहनत मजदूरी के लिए, वो ऐसे ही परे नजर आते हैं। लेकिन सरकारी तौर पर भी व्यवस्था रैन बसेरों की बड़ी मात्रा में गई है ताकि लोग इस ठंड से अपने आप को बचा सकेंगी जी। तो आशुतोष, आने वाले दिनों में क्या कुछ उम्मीद कर सकते हैं, इसी तरह शीतलहर लगातार चलती रहेगी या कुछ उम्मीद कर सकते हैं कि वाकई तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी? नहीं, मौसम विभाग की माने तो अगले 1-2 दिनों के बाद मौसम में सुधार होगा और गर्मी बढ़ेगी और फिर लोगों को सर्दी से राहत मिलेगी।
जी, ऑरेंज अलर्ट प्रशासन की ओर से जो जारी किया गया है उसको लेकर कुछ अपडेट आपके पास आया हो, लोगों से क्या कुछ एहतियात बरतने की सरकार की ओर से अपील की गई है? नहीं, लोगों को यही है कि जितना हो सके जो बुजुर्ग और बच्चों को इससे बचाने की ज्यादा जरूरत है, और उसी को दिशा निर्देश भी जारी किया जाता है कि बच्चों को बेशक बचाएं, इसमें बाहर ना निकालें, घरों में रहें। और चूंकि स्कूल तो बच्चों के दिल्ली में कोरोना की वजह से पहले ही बंद है तो उसकी कोई बात ही नहीं है, तो घरों में रहें, सुरक्षित रहें, यही प्रशासन का कहना है। और अपने आप को सर्दी से बचाएं, और इस बार सर्दी थोड़ा ज्यादा राजधानी दिल्ली में पड़ रही है, लगातार रिकॉर्ड टूट रहे हैं और सर्दी का सितम लगातार जारी। जी जी आशुतोष, आप हमारे साथ बने रहिएगा, दोबारा आपका रुख करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वाकई सर्दी का सितम जिस तरीके से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है तो आसपास के इलाकों में क्या कुछ हालात बने हुए हैं। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। प्राकृतिक हल्दी मिर्ची धनिया नहीं, मिर्ची धनिया हल्दी MGH। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। तमाम सहयोगी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं और बता रहे हैं अपने अपने क्षेत्र में किस तरीके से सर्दी का सितम लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और साथ ही सरकार की ओर से क्या कुछ इंतजाम यहां पर किए जा रहे हैं उसको लेकर भी लगातार वो रूबरू करा रहे हैं। जोधपुर चलते हैं जहाँ से मेरे सहयोगी जितेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी जितेंद्र, जानना चाहेंगे अगर जोधपुर की बात करें तो वहां पर सर्दी को लेकर क्या कुछ हालात? जी बिल्कुल प्रीति, बताना चाहूंगा कि जोधपुर में भी ठंड का असर इतना ही है जितना कि जयपुर और दिल्ली में है। साथ ही आपको बता दें कि जोधपुर के अंदर ठंड ज्यादा है लेकिन धूप कहीं ना कहीं हल्की हल्की खिलती हुई नजर आ रही है, तो कहीं ना कहीं थोड़ी राहत ठंड से लोगों को मिल सकती है, लेकिन जो हवा ठंडी है उसकी चुभन अभी भी लोगों को जो है सरदा रही है। साथ ही आपको बता दें कि मौसम विभाग की ओर से जिस तरीके से बार बार परिवर्तन जो का अलर्ट जारी किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं जोधपुर के साथ साथ अन्य देशों में भी जो है परिवर्तन देखने को मिल रहा है। जी प्रीति, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि पिछले अगर 2-3 दिन की बात करें तो सर्दी कुछ हद तक कह सकते हैं कि कम थी, लेकिन अचानक से आज जब सुबह हुई तो काफी सर्दी का सितम लोगों को यहाँ पर सता रहा है। एक बार फिर से शीतलहर यहाँ पर देखने को मिल रही है और कोहरे की बात करें तो आज विजिबिलिटी काफी कम जितेंद्र यहाँ पर देखने को मिली, वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, आम लोग जो हैं उन्हें भी काफी दिक्कतें यहाँ पर हो रही है। लेकिन इसके साथ ही जितेंद्र इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते कि आम जनजीवन तो प्रभावित हो ही रहा है लेकिन इसके साथ ही मौसमी बीमारियां जो है उनमें भी काफी इजाफा देखने को मिल रहा है, तो उसको लेकर डॉक्टर्स की ओर से एहतियात बरतने के लिए क्या कुछ बात कही गई है यहाँ पर? जी बिल्कुल प्रीति, बता दूं कि जिस तरीके से आपने कहा था कि पिछले 2 दिन से जो है मौसम में परिवर्तन हुआ है, पिछले 2 दिन थोड़ी इतनी ज्यादा बिल्कुल धूप भी देखने को मिली थी, सर्दी जो है बढ़ी है, इसके साथ ही जो मौसमी बीमारियां बढ़ रही है तो उसको लेकर के डॉक्टर्स भी अलर्ट है, पूरा प्रशासन अलर्ट मोड पे है। साथ ही आपको बता दें कि मौसमी बीमारियों के साथ साथ जो है सर्दी के जो अन्य जो चमड़ी की त्वचा में खिंचाव आना या इस तरह की उस बीमारियों का भी जो है संख्या बढ़ती जा रही है, तो कहीं ना कहीं डॉक्टर भी है जो यही सलाह देते हैं कि जो है सर्दी के अंदर क्रीम और इस तरह का यूज करना चाहिए ताकि जो है सर्दी से बचा जा सके। जी, इसके साथ ही इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते जितेंद्र, पहाड़ी इलाकों में जिस तरीके से बर्फबारी हो रही है और लगातार जब से सर्दी शुरू हुई है कह सकते हैं उसके 2-3 महीने के बाद से ही लगातार बर्फबारी देखने को मिल रही है और शायद यही एक बड़ी वजह है कि मैदानी इलाकों में अब सर्दी बढ़ती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल प्रीति, बता दूं आपको कि जिस तरीके से बर्फबारी लगातार उत्तरी भारत और जिस तरीके से हो रही है उसका असर जो है पूरे पश्चिमी राजस्थान तक देखने को मिल रहा है, पूरे भारत के साथ साथ। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से बर्फबारी हो रही है जो है 2 दिन के लिए थोड़ी ठंड कम होती है और वापस जो है ठंड बढ़ जाती है, कोहरा भी बढ़ जाता है। आज भी सुबह सुबह कोहरा जोधपुर के अंदर देखने को मिला था लेकिन अब जिस तरीके से धूप धीरे धीरे निकलती हुई नजर आ रही है तो कहीं ना कहीं कोहरा छटता हुआ भी नजर आएगा। साथ ही आपको बता दें कि जो सुबह सुबह के वक्त जो निकलने वाले राहगीर है उनको खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, वो लोग जो है सुबह सुबह जो अपने काम के लिए निकलते हैं क्योंकि आज सोमवार भी है तो कहीं ना कहीं लोगों को जो है ऑफिस और अपने दफ्तर पहुंचना होता है तो वहां पे भी लोगों को जो है जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जी
चलिए जितेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए और साथ ही मगन हमारे साथ जुड़ने के लिए, आशुतोष आप हमारे साथ जुड़े और बताया किस तरीके से सर्दी का सितम लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा किस तरीके से मेरे सहयोगी जुड़े हुए थे और उन्होंने बताया कि वाकई ही सर्दी का सितम बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, शीतलहर जो है उसने लोगों का जीना काफी मुहाल कर रखा है। सबसे ज्यादा वाहन चालकों को परेशानी हो रही है क्योंकि विजिबिलिटी इतनी ज्यादा कम है कि इस दौरान लोगों को वाहन चलाने में भी डर लग रहा है। आगे बढ़ते हैं तो झालावाड़ चलते हैं जहां से मेरे सहयोगी सुनील हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी सुनील, जानना चाहेंगे झालावाड़ की बात करें तो सर्दी को लेकर वहां पर क्या कुछ हालात बने हुए हैं, साथ ही प्रशासनिक स्तर की बात करें तो आम लोगों के लिए क्या कुछ इंतजाम। जी प्रीति, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि ठंड का जो कहर है वो लगातार जारी है, आज सुबह से आज भी घना कोहरा देखने को मिला है। वहीं अगर प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि छोटे बच्चे और बुजुर्ग जो है घरों से बाहर ना निकले और जो है अलाव का सहारा ले। जी प्रीति, बिल्कुल सुनील, तो कह सकते हैं कि अभी सर्दी लगातार पड़ती हुई नजर आ रही है, कोहरा जो है वो भी काफी है, शीतलहर चलती हुई नजर आ रही है, कल गणतंत्र दिवस है तो कह सकते हैं कि गणतंत्र दिवस पर भी इसका असर साफ देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, गणतंत्र दिवस पर भी इसका असर जो है देखने को मिलेगा क्योंकि प्रशासन ने जो है छोटे बच्चे और बुजुर्गों को आने के लिए मना किया है और वैसे कोरोना गाइडलाइन की जो पालना के साथ वो है गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। जी, इसके साथ ही सरकार की ओर से कुछ गाइडलाइन यहाँ पर जारी की गई हो, क्योंकि ऑरेंज अलर्ट तो जारी कर दिया गया है, आने वाले दिनों में सर्दी और भी बढ़ेगी मौसम विभाग का ऐसा कहना है, तो प्रशासन की ओर से सरकार की ओर से क्या कुछ गाइडलाइंस यहाँ पर जारी की गई है आम लोगों के लिए। जी प्रति, प्रशासन की तरफ से जो गाइडलाइन जारी की गई है वो यही है कि छोटे बच्चे और बुजुर्गों को समारोह में नहीं आने की अपील की है और साथ ही जो है सोशल डिस्टेंसिंग और जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है उनको नहीं करने की जो है अपील की गई है। जी प्रति, चलिए सुनील हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। झालावाड़ से मेरे सहयोगी सुनील हमारे साथ जुड़े हुए थे। जैसा कि उन्होंने बताया सर्दी का सितम लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लोगों को काफी परेशानी का सामना यहां पर करना पड़ रहा है, सरकार की ओर से भी लोगों से अपील की गई है कि अगर कोई जरूरी काम हो तभी वो घर से बाहर निकले वरना अपने घर पे ही रहे। इसके अलावा रैन बसेरी भी सरकार की ओर से यहां पर लगाए गए हैं जहां पर सरकार की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं कि जो भी लोग वहां पर ठहर रहे हैं उन्हें किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। वहीं अगर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की बात करें तो वहां से मेरे सहयोगी आशुतोष जुड़े हुए थे, उन्होंने भी बताया कि सरकार की ओर से पुख्ता इंतजाम तो किए गए हैं लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारी जगह ऐसी है जहां पर रेन बसेरों में लोगों को जगह नहीं मिल रही जिसकी वजह से अभी भी लोग जो है वो फुटपाथ पर सोने के लिए मजबूर है, लेकिन सर्दी जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रही। ऑरेंज अलर्ट भी सरकार की ओर से जारी कर दिया गया है ताकि लोग जो है ऑरेंज अलर्ट जारी होने के बाद कम से कम घर से बाहर निकले, कोई जरूरी काम हो तभी वो घर से बाहर निकले। इस तरह की अपील लगातार प्रशासन की ओर से आम लोगों से की गई है और आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरीके से कोहरा जो है वो इतना ज्यादा छाया हुआ है कि वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा अगर राजस्थान के माउंट आबू की बात करें तो वहां से भी मेरे सहयोगी मगन जुड़े थे, उन्होंने भी बताया कि माउंट आबू में भी वो बात अलग है कि लोग वहां पर लुफ्त उठाने के लिए आते हैं सर्दी का, लेकिन सर्दी इतनी ज्यादा बढ़ रही है कि तमाम पर्यटक जो है वो होटल में दुबके हुए हैं। धूप वगैरह नहीं निकलती है तब तक ये ऐसे ही चलता रहेगा और ठंड बहुत ज़्यादा है जिसके वजह से काफ़ी लोगों को आने जाने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। किस तरीके से बताया गया कि वाकई ही सर्दी इतनी ज्यादा बढ़ रही है कि यहां से आने जाने में लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा कोहरे की वजह से तमाम ऐसी खबरें भी सामने आ रही है जहां पर कोहरे की वजह से आपस में वाहन टकरा जाते हैं और तमाम लोगों की मौत की खबरें भी लगातार यहां पर देखने को मिल रही है। इसी वजह से कह सकते हैं कि प्रशासन की ओर से जो बात कही गई है वो बिल्कुल सही है क्योंकि जब भी आप सर्दी में स्पेशली अगर कोहरा पड़ रहा है उस दौरान आप बाहर निकल रहे हैं तो तमाम गाइडलाइंस का ख्याल रखना जरूरी है। आने वाले दिनों में सर्दी और भी बढ़ेगी और साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से कल 26 जनवरी है तो कहीं ना कहीं गणतंत्र दिवस पर भी इस सर्दी का सितम देखने को मिल सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं तो आपको बता दें जालोर से सुरेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी सुरेश, जानना चाहेंगे अगर जालोर की बात करें तो जालोर में क्या कुछ
सर्दी का सितम देखने को मिल रहा है। साथ ही अगर फसलों की बात करें, क्योंकि आम लोगों की लगातार हम काफी देर से बात कर रहे हैं कि आम जनजीवन को काफी प्रभावित होना पड़ रहा है, लेकिन अगर फसलों की बात करें तो इस सर्दी का असर फसलों पर क्या कुछ देखने को मिल रहा है? सर्दी देखिए, बिल्कुल मैं बता दूं, अगर किसानों की बात की जाए जो फसलों पर बोई हुई है, तो रबी की जैसे फसल बोई हुई है, इसको लेकर किसानों को जो है सप्ताह भर से मौसम में बदलाव आ रहा है। लगातार बदलाव आने के कारण जो किसानों के जो है बिल्कुल जो सर्दी पड़ रही थी, सर्दी के कारण जो न्यूनतम जो तापमान है वो 7 डिग्री पर है, और किसानों का कहना है कि लगातार सर्दी पड़ती है और तो बरोबर हमारे क्या है वो सुरेश, अगर आम लोगों की बात करें, उन्हें क्या कुछ परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्या कुछ कहना है उनका इस सर्दी को लेकर? प्रति बिल्कुल देखिए, आम लोगों के जो है घरों से निकलना तक वैसे तो नहीं है इतना, बाकी 7 दिन से जो है लगातार गर्मी का असर भी कम हुआ है। दिन में देखे तो दिन में लोगों को गर्मी से राहत मिली है, वही सर्दी से सॉरी राहत मिली है। आपको बता दूं कि तापमान में गिरावट के साथ बारिश के भी संकेत हैं। मौसम विभाग का यह अनुमान है कि आने वाले दिनों में आसमान में जो बादल छाए रहे हैं, बादलों के कारण जो है बरसात की भी संभावना जताई जा रही है। ठीक है, प्रशासन की ओर से रैन बसेरे वहां पर लगाए गए हैं, उनको लेकर कुछ अपडेट हो आपके पास, क्या कुछ इंतजाम वहां पर किए गए हैं कि लोगों को परेशानी का ना सामना करना पड़े वहां पर? बिल्कुल प्रीति, देखिए प्रशासन की ओर से नगर परिषद को सख्त निर्देश दिए हुए हैं कि बेसहारा लोगों व यात्री हो जो रात में कई देर रात से आए और वो ठहरने के लिए जो है रैन बसेरों की व्यवस्था की गई है। जालौर जिले में शहर के अंदर 2 रैन बसेरे बनाए गए हैं जिसमें लमसम 400 लोगों की क्षमता है, जिसमें बेड और गर्म जैसे कपड़े वगैरह बिस्तर वगैरह सारी व्यवस्था की हुई है। जी, आमजन के साथ साथ अगर यातायात की बात करें तो उस पर सर्दी का क्या कुछ असर देखने को मिल रहा है सुरेश? प्रति बिल्कुल, यातायात पुलिस कर्मियों की बात करें और यातायात अगर वाहन चालकों की बात करें तो वाहन चालक जो है दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। लगातार कोहरा भी छाया हुआ है जालौर जिले में, 8 बजे के बाद जो है कोहरा पूरी तरह से 9-10 बजे तक छाया रहता है, इस कारण से वाहन चालकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। सर्दी से बचने के लिए लोग क्या कुछ वहां पर इंतजाम करते हुए नजर आ रहे हैं? लोगों से आपकी बात हुई होगी, क्योंकि जब गर्मी पड़ती है तो हर कोई इंतजार करता है कि सर्दी आ जाए, उसके बाद में जनजीवन जो है वो काफी सही चलता हुआ नजर आएगा, लेकिन अब सर्दी आ गई तो सर्दी इतनी ज्यादा पड़ रही है कि लोगों को अब इससे भी परेशानी हो रही है, तो लोगों से अगर बात हुई हो तो उनका क्या कुछ कहना है सर्दी को लेकर? देखिए बिल्कुल, लोग जो है 7 बजे अपने घरों से बाहर निकलते थे, लेकिन अगर बात करूं मैं नरेगा कार्यों की, तो नरेगा कार्यों पर अभी 7 बजे जो लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे थे, लेकिन सर्दी ज्यादा होने के कारण जो है वो 19-20 स्वेटर है सदर है वो ओढ़कर जो है अपने नरेगा पर भी जा रहे हैं, और 7 बजे जो ड्यूटी गवर्नमेंट कर्मचारी है वो भी 7 बजे जाना चाहिए, लेकिन वो भी 8-8:30 बजे घर से निकल रहे क्योंकि ज्यादा ठंड होने के कारण वो है सफर नहीं कर पा रहे हैं। जी, चलिए सुरेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे सहयोगी सुरेश हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने बताया कि वाकई सर्दी बेशक कितनी ही पड़ रहे, लेकिन फिर भी जो लोग काम करने वाले हैं वो लगातार अपने गंतव्य के लिए निकल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, राजधानी जयपुर की बात करते हैं, जहां से मेरे सहयोगी रमेश पुरोहित जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमेश जी, सर्दी लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, बहुत सारी ऐसी भी जगह है, अगर माउंट आबू की बात करें तो वहां पर पर्यटक लुफ्त उठाते हुए नजर आ रहे हैं, अपनी राजधानी की बात करें तो यहाँ पर सर्दी को लेकर क्या कुछ हालात? जी प्रीति, पिछले 2 दिन से जो है सर्दी तेज पड़ रही है, खास करके ठंडी हवाओं का जोर है, दिन में तो तापमान बढ़ा हुआ रहता है जी, धूप भी खिली रहती है और गर्मी का भी एहसास होता है। पिछले अगर हफ्ते भर से अगर देखें तो पिछले हफ्ते का जो जयपुर का जो तापमान है वो लगातार दिन में बढ़ता हुआ दिखाई दिया, और सुबह और शाम और खास करके रात में जो है तापमान जो है नीचे की तरफ रहा, और अभी बात करें तो एक पश्चिमी जो विक्षोभ है वो राजस्थान के ऊपर से गुजर रहा है, लिहाजा 2-3 दिन आगे की जो संभावना है कि सर्दी का असर ऐसा ही बना रहेगा, खास करके बर्फबारी हो रही है उत्तरी क्षेत्रों, हिमालय के तराई क्षेत्रों में, तो जो ठंडी हवाओं का जो चलन है वह मैदानी इलाकों की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है, लिहाजा इसके कारण से जो है सर्दी का एहसास पिछले 2 दिन से, अगर कल शाम से अगर बात करें तो तेज हवाएं हैं जो ठंडी है वह महसूस हो रही है, और आगे 2-3 दिन ऐसा ही मौसम बना रहने की संभावना है मौसम विभाग की ओर से,
जारी की गई है। और यह भी कहा गया कि अगर इस दौरान तेज अगर तापमान और थोड़ा सा नीचे की ओर गिरता है तो पारे की संभावनाएं ज्यादा दिखाई देती है, लेकिन इस तरह का अभी मौसमी तंत्र बना हुआ नहीं है कि किसानों को भी ज्यादा जो दिक्कतों का सामना करना पड़े। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि आने वाले 2-3 दिन जो है सर्दी का एहसास रहेगा, ठंडी हवाएं बनी रहेंगी और तापमान में जो रात का है वो थोड़ा और कम होगा, लिहाजा सर्दी अभी 2-3 दिन और रहने की संभावना व्यक्त की जा रही है। ठीक है, चलिए रमेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए